ये वीडियो में हम लोग कुछ टेक्निकल एनालाइज करेंगे बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम के बारे में, बीएनबी, बाइनांस कॉइन के बारे में और डॉज कॉइन के बारे में। और टेक्निकल एनालाइज के ऊपर हम लोग जो है ये देखेंगे कि कौन सा कॉइन हमें बाय करना है और कौन सा कॉइन जो है जिसमें जो है बाय सिग्नल बन रहा है, कौन से कॉइन में हम होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, डेली का चार्ट है। और इस चार्ट पैटर्न में ये जो चैनल था, इस चैनल को इसने ब्रेक किया और जैसे ही ये चैनल को ब्रेक किया उसके बाद ये 35,000 के लेवल पे आके इसने दोबारा से सपोर्ट लिया है। उसके बाद जो है 37,000 का जो लेवल था वो ये टेस्ट करता रहा काफ़ी बार। अब ये 37,000 के लेवल को दोबारा से इसने ब्रेक किया है और आज इसका प्राइस जो चल रहा है वो 39,000 के अप्रोक्स चल रहा है और ये 37,000 जो है इसके लिए मेजर सपोर्ट का जोन बन चुका है। और यहाँ पर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी जाने के लिए रेडी है और जैसे ही ये 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो ये 41,000-42,000 के जोन में एंटर करेगा। यहाँ पर ये 42,000 के जोन में एंटर करता है तो ये दोबारा से 44,000 तक जाने का, $44,000 तक ये दोबारा से टच करेगा और यहाँ पर इसको एक हर्डल बनेगा और उसके बाद ये दोबारा से डाउन आ सकता है। अगर ये 44 के जोन को यहाँ से ये क्रॉस करता है बड़े वॉल्यूम के साथ तो फिर ये एकदम से दोबारा से 50,000 के जो इसके पुराने हाई थे उसको टेस्ट करने के लिए दोबारा से जाएगा और ये चैनल में एंटर करेगा फिर से। तो ये वाला जो स्पोर्ट है 45,000 और 49,000 के बीच का, ये बहुत ही मेजर है। तो 44,000 का अगर लेवल ये बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ये इसको ब्रेक करता है फिर उसके बाद ये 49,000 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा और 49,000 के जोन को क्रॉस करके फिर दोबारा से ये अपने पुराने हाइस को टच करने की कोशिश करेगा। तो ये मार्केट में थोड़ा सा माहौल जो है वो पॉजिटिव बना है, देखना होगा अभी ये कहां तक जाता है। और आप जो है इस लेवल को ध्यान में रखिएगा, अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो 40,000 से लेकर 42,000 और 44,000 का जो जोन है इसके अंदर आप दोबारा से एग्जिट कर सकते हैं और उसके बाद अगर ये 44,000 के जोन को दोबारा से ब्रेक करेगा तो फिर दोबारा से आप इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री ले सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो नया स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे आप कोई भी 3% या 4% के अकॉर्डिंग रख के इसमें दोबारा से ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी जो है 42,000 से लेके 44,000 का जो जोन है यहाँ पर, ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं एथेरियम के बारे में। एथेरियम की अगर बात करें तो मार्केट में जैसे ही पॉजिटिविटी आती है ये कॉइन बहुत तेज़ी के साथ रिकवर होता है। तो जब भी पॉजिटिविटी आती है बिटकॉइन के मुकाबले ये बहुत तेज़ी के साथ जंप करता है। तो इसका ये रेजिस्टेंस जोन है 2855, इस जोन को अगर ये क्रॉस करता है तो इस जोन को क्रॉस करके ये $3,400 तक जाएगा। तो $3,450 यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये जोन जो है ये क्रॉस करना ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग आती है, ये डेली बेसिस की क्लोजिंग है तो डेली बेसिस में जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसका। ये जो है 50 EMI और 20 EMI दोनों के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है फिर उसके बाद अगर इस लेवल को ये क्लोज करता है 3460 के ऊपर तो ये फिर जाएगा 4168। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ दोबारा से जाएगा। और अगर ये वाला लेवल जो है 3850 को जो दोबारा से क्रॉस करता है तो अभी इस लेवल्स के ऊपर आपको नज़र रखनी ज़रूरी है। ये लेवल को आप देखिए, अगर जैसे उसके बाद आता है बाइनांस कॉइन। बाइनांस कॉइन जो है ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप इसके अंदर अगर इन्वेस्ट किए हो या इसके अंदर एंट्री किए हैं तो इसमें जो है दोबारा से बाइंग सिग्नल बना है। यहाँ पर इसने ये वाला रेजिस्टेंस जो था इसको क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 403 के आसपास, 410 के आसपास अगर ये दोबारा मिलता है इसमें एंट्री की जा सकती है। और ये 20 मूविंग एवरेज को तो क्रॉस कर चुका है, अगर 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो फिर दोबारा से बुलिश होगा और एक बार 475 यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस करता है तो 594 यहाँ पर इसको दोबारा से रेजिस्टेंस मिल सकता है।
और इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई को एक बार दोबारा से टेस्ट कर सकता है। तो ये वाले कॉइन पे भी आप नज़र रख सकते हैं, डिप में अगर मिलता है 400 के आसपास तो इसको आप $400 के आसपास दोबारा से बाय कर सकते हैं। अगर ये $300 में मिले तो फिर आप इसमें दबा के एंट्री करिएगा। तो दोबारा से अगर मार्केट में पैनिक होता है, सारे कॉइन्स गिरेंगे, तो ये दोबारा से गिरेगा और उसमें ये $300 के आसपास अगर मिल जाता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। उसके बाद ये मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई तो ये कॉइन बहुत तेज़ी से रिकवर करता है, आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं डोज कॉइन की। डोज कॉइन में भी देखिए ये जो लेवल था ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको इसने यहाँ पे क्रॉस किया है और ये वाला लेवल जो था इसके ऊपर इसने कल क्लोजिंग दी है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को फिर ये दोबारा से आज टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वाला लेवल जो है दोबारा से होल्ड करता है $0.53 के आसपास जो चल रहा है तो ये इस लेवल को जो अगर ये दोबारा से टेस्ट इस लेवल के ऊपर अगर ये अपनी क्लोजिंग देता है तो इसमें आप बने रह सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर अपने 73 के आसपास दोबारा जाएगा और उसके बाद इसको अगर क्रॉस किया तो फिर ये 89 अपने लाइफ टाइम हाईस की तरफ जाएगा और अगर इसको होल्ड नहीं करता तो ये दोबारा से यहाँ पर अपने जो पुराना इसका तो ये जो है यहाँ पर इसको मेजर स्पोर्ट है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्पोर्ट है और यहाँ पर ये दोबारा से फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी इसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद फिर दोबारा से इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी इस लेवल को होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला, इसी लेवल को होल्ड कर रहा है और इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है डोज कॉइन के लिए, इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर 23 के आसपास आएगा, उसके बाद ये 10 के आसपास। तो इसमें अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसको देख सकते हैं ये दोबारा से 73 तक जाने की, दोबारा से ये अपने 73 के लेवल को टेस्ट करेगा जैसे कि मार्केट का माहौल जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो ये सारी ही व्यूज़ जो हैं ये कुछ कॉइन्स के बारे में मेरे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिए या फिर आप खुद देखिए, एनालाइज़ कीजिए कि अगर आपको सही लग रहा है, अगर आपको माहौल ठीक लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने का तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है। ये मेरा अपना व्यू है, मुझे जो चीज़ें सही लगी उस हिसाब से मैंने टेक्निकल एनालाइज़ आप लोगों के साथ शेयर किया है और इसको आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से करिएगा क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो भी व्यूज़ होंगे हमारे कॉइन्स के रिगार्डिंग या स्टॉक्स के रिगार्डिंग और जो भी इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, तो मैं आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। एक वीडियो मैंने आई बटन पर भी दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने 3 पिक्स बताई हैं, उन 3 पिक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हम लोग फिर दोबारा से जल्दी मिलेंगे।